राधे राधे मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लाया हूं, राम धनुष टूटने की सत्य घटना। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कपराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मन संचालन करते थे, और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था, तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाए ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशान नहीं हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवा के लाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष का भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रोकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसे धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रख आया। रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर रामचरणों से भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सार राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठ ही नहीं ला। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कपराम दुबे की तरफ कतार दृश्य देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी 1000 लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों में रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी, बाद में उन्होंने बताया कि इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को देखा नहीं था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण धुंधुंबी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। पंडित जी खुद को रामचरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, ले चढ़ावत खेचत गाढ़े कहुन लखा देव सबुन दाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति पहले की पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए।
जय श्री राम, जय जय श्री राधे।